जब भी हम खबरों में देखते हैं या सुनते हैं कि कहीं पर साइक्लोन आ रहा है या फिर साइक्लोन आ गया है, तो आपने कई अजीबोगरीब नाम भी सुने होंगे, जैसे कि ओखी, फोनी, वायु या फिर असना। अलग अलग तरह के नाम साइक्लोन को दिए जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ये नाम क्यों दिए जाते हैं और इन नामों का चयन किस प्रकार से होता है? तो चलिए आपको बताते हैं। तकनीकी शब्दों को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लोगों की आसानी के लिए चक्रवातों का नाम रखा जाने लगा। शुरुआत में चक्रवातों का नाम मनमाने ढंग से रखा गया। 1880 के दशक के अंत में चक्रवातों का नाम कैथोलिक संतों के नाम पर रखा गया था। 1953 की बात करें तो साइक्लोन का नाम महिलाओं के नाम पर रखा जाने लगा, क्योंकि जहाजों को हमेशा महिला के रूप में ही देखा जाता था और अक्सर उन्हें महिलाओं के नाम दे दिए जाते थे। 1979 की बात करें तो पुरुष नामों को भी पेश किया गया था। वर्तमान में चक्रवातों को व्यवस्थित रूप से नामित किया जाता है। कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय गड़बड़ी से चक्रवात बनते हैं और आमतौर पर हिंसक तूफान और गंभीर मौसम की स्थिति के साथ होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि चक्रवात को नाम कैसे दिया जाता है, यानी कि साइक्लोन का नामकरण कैसे होता है। दुनिया भर में किसी भी महासागरीय बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नाम क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र द्वारा रखा गया है, यानी कि RSMCs और TCWCs के द्वारा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD सहित दुनिया में कुल 6 RSMCs हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO और एशिया प्रांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग 2000 से चक्रवाती तूफानों का नामकरण कर रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD खाड़ी सहित उत्तर हिंद महासागर में विकसित होने वाले चक्रवातों का नाम रखता है। बंगाल और अरब सागर के यह चक्रवात और तूफान के विकास पर क्षेत्र के 12 अन्य देशों को सलाह भी जारी करता है। अब जानते हैं कि क्यों रखे जाते हैं चक्रवातों के नाम, क्या इन्हें रखना जरूरी है। चक्रवातों का नाम लोगों को आसानी से पहचानने में मदद करने के लिए रखा गया है, क्योंकि संख्याओं और तकनीकी शब्दों को याद रखना मुश्किल होगा। इसके नाम जोड़ने से मीडिया, वैज्ञानिक समुदाय और आपदा प्रबंधन समुदाय के लिए अलग अलग चक्रवातों की पहचान करना और उनकी रिपोर्ट करना, चेतावनियों का प्रसार करना, सामुदायिक तैयारियों को बढ़ाना और कई चक्रवातों वाले क्षेत्रों में भ्रम को दूर करना आसान हो जाता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि चक्रवातों के नाम रखने के लिए किन किन दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। प्रस्तावित नाम राजनीति और राजनीतिक हस्तियों, धार्मिक विश्वासों, संस्कृतियों और लिंग के लिए तटस्थ होना चाहिए। इसे दुनिया भर के लोगों के किसी भी समूह की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए या कठोर और क्रूर स्वभाव के नहीं होने चाहिए। नाम छोटा, उच्चारण में आसान और किसी भी सदस्य के लिए आपत्तिजनक ना हो। यह अधिकतम 8 अक्षरों का होना चाहिए और इसके उच्चारण और आवाज के साथ इसे दिया जाना चाहिए। उत्तर हिंद महासागर के ऊपर विकसित हो रहे चक्रवातों के नाम नहीं दोहराए जाएंगे। एक बार उपयोग करने के बाद या फिर से उपयोग करना बंद कर देगा। तो आपने जाना कि किस तरह से अलग अलग चक्रवातों यानी कि साइक्लोन्स के नाम रखे जाते हैं। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।